महायोजना के तहत ग्रीनलैंड घोषित हुआ सिंगरिया, आफत में कॉलोनी वासी। गोरखपुर वार्ड संख्या 4 मदन मोहन मालवीय नगर के सिंघानिया महादेव झारखंडी टुकड़ा नंबर 2 के कॉलोनी वीडियो के लिए एक नई मुसीबत खड़ी हो गई है। महायोजना के तहत यहां की कॉलोनियां, जिसमें लगभग हजारों आवासीय मकान है, ग्रीनलैंड घोषित होने से कॉलोनीवासी काफी परेशान है, जिसको लेकर आज कॉलोनी में प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री से न्याय की गुहार लगाने के लिए गए गोरखनाथ मंदिर कॉलोनीवासियों ने GDA के अधिकारियों पर आरोप लगाया कि जब हम लोगों का मकान बन रहा था तब कीजिए के अधिकारी हम लोगों से पैसा वसूल रहे थे और अब हमारे इस कॉलोनी को ग्रीन बेल्ट में डाल दिए हैं। वहीं भाजपा नेता कामेश्वर सिंह ने बताया कि हमारी समस्या इतनी बड़ी है कि स्थानीय जनप्रतिनिधियों से बताने के बाद भी समस्या का हल नहीं निकलना है, जिसके लिए हमें मुख्यमंत्री से मिलकर ग्रीन बेल्ट को आवासीय घोषित करने के लिए मुलाकात करनी पड़ेगी। वही क्षेत्रीय पार्षद राजा यादव ने बताया कि हमारे क्षेत्र की यह सबसे बड़ी समस्या है, इस समस्या के निदान के लिए हम यहाँ के सांसद रवि किशन शुक्ला से भी मुलाकात किया। उन्होंने GDA अधिकारियों से बात की, उसके बाद भी GDA अधिकारी अपनी मनमानी कर रहे हैं। इसी कड़ी में पूर्व पार्षद हीरालाल यादव ने बताया कि 2021 में महापरियोजना जब घोषित की गई तो इस पर सबसे पहले आपत्ति कर उन्हें आवासीय योजना के तहत लाने के लिए हर संभव प्रयास किया गया, लेकिन आपत्ति करने के बाद भी GDA प्रशासन द्वारा ध्यान नहीं दिया गया। वही तालकालनंदा में शहर के एक वरिष्ठ व्यापारी की कुछ भूमि को ग्रीनलैंड की जगह आवासीय लैंड घोषित की गई। इसी कड़ी में वहां की महिलाओं ने बताया कि GDA प्रशासन द्वारा जब यहां मकान निर्माण चल रहा था, GDA प्रशासन द्वारा नक्शा पास कराए जाने की बात करके उसके एवरेज में मोटी रकम ली जाती थी। आज यह एरिया नगर निगम द्वारा सीवर लाइन गैस पाइपलाइन सड़कें बनी हुई जो नगर निगम के अंतर्गत आता है। हमारी भी कॉलोनी को आवासीय घोषित होना चाहिए, क्योंकि हम लोग जलकर सीवर कर हो टैक्स नगर निगम को अदा करते आ रहे हैं। इस पर जिला प्रशासन को ध्यान देना चाहिए। ग्रीन बेल्ट में आपका मतलब मकान थोड़ा कभी अपने सभासद से या बगल में ही आपके विधायक रहते हैं सबके वहाँ सर लिखित में गया है, सब लोग मुलाकात भी किया है। और सभासद का क्या कहना है? सबका आश्वासन सब लोग दिए कि हम लोग महाराज जी से कहेंगे, लेकिन अभी तक कोई मतलब इसका निर्णय नहीं हुआ है। और आज जो है हम लोग जो है कि मुख्यमंत्री जी के पास जाएंगे और आप लोग के चैनल के थ्रू ये पूरे दुनिया को पता चलना चाहिए कि हम लोग के साथ गलत हुआ है। सारी सुविधा सरकार दी है और हम लोग सुविधा भी लिए हैं, और सरकार हम लोग का रजिस्ट्री कैसे की, नगर ये हाउस टैक्स कैसे बनाए, हर चीज जमा हो रहा है। जब हम लोग गलत है, ये एरिया गलत है, तो आपको बनाने का अधिकार कैसे, उसी समय आप मना किए रहते हैं। जब आप बनाए हैं तो कुछ सोच के ना बनाए हैं। क्या मामला है? पहले तो सारे मीडिया बंधुओं का मेरा सादर प्रणाम। आप लोगों ने अपना कीमती टाइम हम लोगों का दुख दर्द समझने के लिए आज महादेव झारखंडी टुकड़ा नंबर 2 में इकट्ठा हुए हैं कि आप लोग जाने कि हम लोग की पीड़ा क्या है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसके साथ परम पूजनीय माननीय योगी आदित्यनाथ जी को भी आप लोगों के माध्यम से मैं प्रणाम, पूरा सिंघड़िया वासियों के तरफ से सारे लोग प्रणाम करते हैं। हाथ उठा के आपको सबको महाराज जी को प्रणाम करिए, आप लोग सब लोग को सब प्रणाम करें महाराज जी को कि हम लोग का दुख दर्द समझे हो महाराज जी। ये योजना 26 कॉलोनियां बनी थी जिसमें बैध करना था, 25 कॉलोनियों ने इन्होंने बैध कर दिया, हमारे कॉलोनी को इन्होंने ग्रीन बेल्ट दिखा दिया है। कॉलोनी का नाम क्या है? कॉलोनी का नाम सिंघड़िया है। इसके अंदर 10 कॉलोनियां हैं। आदर्श नगर है, प्रज्ञापुरम है, वसुंधरा नगर है, साई धाम है, स्वर्ण सिटी है, श्रवण नगर है, तमाम इस तरह लगभग 50,000 मकाने ऑलरेडी बन चुकी है, जो लगभग 5 किलोमीटर एरिए में है। इसकी बाउंड्री एम से सटे आती है, इंजीनियरिंग कॉलेज इधर बाउंड्री है, उधर देवरिया रोड है, इधर अकबर रेलवे लाइन है। इसमें लगभग 1.5 से 2 लाख आदमी निवास करते हैं। सारी योजनाएं ठीक थी, महेंद्र तंवर सिंह ने सबसे फार्म भरवाया, आपत्ति ली, आपत्ति सबसे ज्यादा आपत्ति हमारे झारखंडी टुकड़ा नंबर 2 सिंघड़िया से ही गई थी, 1300 आपत्तियां गई थी। उन्होंने सुनवाई भी किया, उन्होंने कह भी दिया कि आप लोगों का आवासीय हो गया, बस नोटिफिकेशन बाकी है, आप लोग जाइए अपने घर में होली मनाइए। हम लोग होली मनाए, सब त्यौहार अपने अमन चैन से रह रहे थे। जब महायोजना इन्होंने लागू किया है उसमें हम लोग का ग्रीन बेल्ट दिखाई दी, जब ग्रीन बेल्ट दिखा दिए उसी दिन से हम लोग को अन्न जल सब महिलाएं त्याग दी हैं, इसलिए कि कब महाराज जी का बुलडोजर चल जाए इसमें पता नहीं है।
चूंकि अभी लखनऊ घटना देखिए 2500 मकान टूट गई, अभी ग्रीन बेल्ट का एक मामला था देख रहे हैं वहाँ पे बनारस में, वो दोनों भाई मूड़ी पटक के मर गए आपस में, एकदम मरे नहीं लेकिन घायल हो गए, पूरा उनके सामने होटल टूट गया। तो अवैध बनाया गया था होटल, तो अवैध तो ग्रीन बेल्ट में था भैया ना, मेरा भी तो ग्रीन बेल्ट आवास है। आप इस कैमरा दिखाइए कितनी मकाने बन चुकी है, 50,000 मकान। जीडीएस नक्शा पास है आप लोग का? जीडीए कहाँ से पास कराए, आवासीय जब करेंगे तब ना, आपत्ति उसी मांगे थे। लेकिन जीडीए का अधिकारी को मनमानी है, जो ताल कंदरा है, जो ताल साहजादा है, जो हमेशा पानी भरा रहता है, आप लोग जाके देखिए वहाँ पे वो सारा वैध हो गया। इनको एक ग्रीन बेल्ट दिखाई दे रहा है, यहाँ खुला क्षेत्र दिखाई दे रहा है, अधिकारियों को मनमानी है, सारा पैसे का खेल है। हमारे मुख्यमंत्री अगर चाहेंगे तो सब लोग सस्पेंड होंगे। आज वही गुहार लगाने हम लोग मुख्यमंत्री जी के पास जा रहे हैं, वो टाइम देंगे, अपनी पीड़ा उनको रखेंगे। चूंकि जीडीए उपाध्यक्ष भी कह रहा है कि जब तक आप लोग महाराज जी से नहीं कहेंगे हम नहीं कुछ कर पाएंगे, महाराज जी कहेंगे तो हम फार्म भरा के फिर दोबारा आपत्ति लेके आप लोगों को आवासीय कर देंगे। तो आज हम लोग महाराज जी के पास अपनी पीड़ा करने जा रहे हैं, सारी महिलाएं जा रही हैं, सारे लोग सब लोग जा रहे हैं महाराज जी से डेट लेने के लिए। धन्यवाद। आप इसके लिए आपने क्या प्रयास किया? देखिए आप लोग के चैनल सर्वप्रथम आप लोग धन्यवाद देना चाहते हैं, क्योंकि हमारी बात यहाँ पे हुई थी, ठीक है, लोग हमसे मिलने आए थे, तो इन लोगों ने कहा कि ऐसा कि माननीय सांसद जी से का मिलवा दीजिए, ठीक है। तो मैं माननीय सांसद जी से मिला भी था और इन लोगों को लग मिलवाया भी था, और माननीय सांसद जी ने अपनी स्तर से बात भी किए थे, और बात दौरान कला उनसे जब बात हुई जी डी मार्फत से, तो उन्होंने कहा कला कि ठीक है बात कर लेंगे, बात हुई थी। बीच में होता कि माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में मामला है, ठीक है, और अब जो कुछ करना है माननीय मुख्यमंत्री जी से हो पाएगा, तो उसमें बातचीत हमारी हुई थी। और उसमें लगभग यहाँ पे सारे व्यवस्थाएं जो सरकार की मिलनी चाहिए, जो सीवर लाइन हुई, गैस पाइप लाइन हुई, सड़कें जो हैं, अगर लगभग 100 सड़कें हैं यहाँ पे, तो लगभग 60 सड़कें तो पूर्ण से सुरक्षित हैं। अभी मैं 3 दिन पहले ही कड़ा 3-4 रोड नपवाया हूँ, जो विकास क्षेत्र के जो महाराज जी का पूजी विकास जी का चल रहा है उनका विकास क्षेत्र का काम, उसमें 3 रोड भी नपवाया हूँ। अभी और भी काम है, ये जो मंदिर जो है रास्ता भी लगभग पास ही हो गया, सुकृति फंसी है जी भाई जी। नहीं यो तो होना ही चाहिए, इसलिए होना चाहिए क्योंकि हम लगभग यहाँ पे जितने 22-23 साल से लोग हैं, ठीक है, और इससे ज़्यादा जो गड्ढे थे लगभग 2-3 हाथियाँ उसमें समा जाएंगे, जो नरही ताल आपकी है, जहाँ पे कभी काल लोग गाना गाया करते थे कि नरही ताल की चिकट मटिया, ठीक है, जहाँ बस से पर्वत पहाड़ गुड़िया, जब वो ग्रीन लैंड हो सकता है तो फिर ये कौन हो सकता है? यहाँ पर तो एक भी इंच जमीन जो है नहीं है, ठीक है, एक इंच जमीन कहीं नहीं, कोई पार्क तक नहीं यहाँ पे है, सारे घर बने हुए हैं। क्या प्रयास किया आपकी सरकार? नहीं, हम आप जी बीजेपी के क्या प्रयास किया? नहीं, मैं बता तो रहा हूँ आपसे, जैसे कल मैं पूजी महाराज से मिलने वाला हूँ, कुछ विकास कार्य को लेकर कल इस पर भी बात करूंगा कि महाराज जी आप लोग से मिलना चाहते हैं, क्योंकि दरअसल बात यह है, अन्यथा मत लीजिए आप लोग, क्योंकि कोई विशेष तरह की बात नहीं हो पाई हमसे लोगों से, ठीक है, जिस तरह होना चाहिए। जैसे आज यहाँ कार्यक्रम था, मुझे पता नहीं था कि यहाँ पे कोई कार्यक्रम है, तो चूंकि एक सज्जन फोन किया, कहा कि आज ये कुछ काम है, हम कहें ठीक है आ जा रहे हैं, तो यहाँ के देखें तो आप भाई लोग भी खड़े हैं, असुर हैं। कल मैं मिलूंगा महाराज जी से इस पर्पस पे और इन लोगों से मिलवाने की कोशिश करूंगा। क्या और इस मामले को लोग राजनीति हो रही है क्या? अब ये तो नहीं कह सकते हैं कि राजनीति हो, नहीं ऐसा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा नहीं। देखिए अब देखिए हम किसी कुछ ब्लेम नहीं लगाएंगे, देखिए हर आदमी अपने, देखिए किसी का कुछ जाएगा, ठीक है, जाए सी बात है, तो सबसे पहले ये चाहे किसी तरह मिल जाए, लेकिन मिल जाए। अगर हमारा कुछ नुकसान होगा तो हम चाहेंगे किसी से, अगर मान हमसे कोई कह दे कि इनसे मिल लीजिए हम उनसे मिल लेंगे, क्योंकि जब किसी नुकसान होता है ना तो ये किसी को नहीं मिलना चाहता, वो चाहता मेरा किसी तरह से फायदा हो जाए। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि राजनीति हो रही है, लेकिन ये जरूर कहूँगा कि मुझे जिस तरह स्तर से जानकारी होनी चाहिए वो जानकारी मुझे नहीं है। अब मैं कल मिलूंगा महाराज जी से, अब मिल करके उनसे बात करूंगा कि कॉलोनी के लोगों से मिलना है महाराज जी, एक बार कल बुला लिया जा रहा है और इस तरह से बात कर लिया। लेकिन आज कानूनी के लोग जा रहे हैं महाराज जी से मिलने, तो जी कैसे आप कल मुलाकात करेंगे फिर? अभी कल मैं उनसे बात कल मिलूंगा मैं चूंकि आज मेरा कोई समय उनसे मिलने का नहीं, कल मेरा बात हुआ था, ठीक है, मैं कल उनसे मिलूंगा और इस प्रस्ताव पर जरूर बात करूंगा, 100% बात करूंगा, क्योंकि कड़ाला उस इसमें व्यक्तिगत बात करना इसलिए जरूरी है क्योंकि बहुत काफ़ी लोग परेशान हैं, यहाँ महिलाएं परेशान हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, यहाँ पे लगभग कम से कम बहुत सारे लोग सीना से, जब यहाँ के लोग परेशान हैं बहुत दिन से परेशान, लेकिन अब आप जाग रहे हैं? नहीं, जाग हम भी नहीं रहे हैं, जैसे मान लीजिए कार्यक्रम चल रहा है इस तरह पूरी, जब जब इन्होंने हमसे कहा जहाँ जिससे मिलाने मैं उनसे जाकर बात किया, लेकिन आज भी कल फिर भी बात कर रहा हूँ, मैं कल बात करने लिए कहा हूँ, कल जाऊँगा मिलूंगा महाराज से, बात भी करूँगा उनसे कि पूज महाराज जी ये समस्या है, वो जन्मी भी समस्या है, इसमें कहीं कोई गलत नहीं है। देखिए जो सिंगड़िया पे ग्रीन लैंड घोषित किया जा रहा है वो सरासर गलत है, क्योंकि जब 2011 मा योजना सेंक्शन की जा रही थी तो मैं उस समय गोरखपुर विकास प्राधिकरण का मेंबर था और वहाँ की बैठक में मैंने
यह विरोध दर्ज कराया था कि वहाँ पे ऑलरेडी हजारों मकान बन चुके हैं, उन मकानों को आप क्यों नहीं रेगुलाइज करते हैं जिससे रेवेन्यू आवे। तो उस समय के तत्कालीन कमिश्नर पीके मोहंती साहब ने एक आदेश पारित किया था और टाउन प्लानर जो विद्यार्थी थे उनको भेजा गया था कि जाके देखो अगर मकान बन गए हैं तो उन्हें आवासीय घोषित किया। लेकिन उस टाउन प्लानर ने कतिपय अपने कार्यों से जनता को गुमराह करते हुए, सबको गुमराह करते हुए उस समय के महायोजना को सैंक्शन करा दिया। दोबारा महायोजना 2021 जब बनने लगी है तो महायोजना बनने के बाद तमाम यहाँ के नागरिक जाके जीडीए में अपनी आपत्ति दर्ज कराए और वर्तमान वहाँ के बीसी ने आपत्ति मांगा भी था बाकायदे अखबार और टीवी चैनलों के माध्यम से। जनता ने हजारों की संख्या में आपत्ति दर्ज कराई कि हमारे मकान बन चुके हैं, महोदय हमारा रेगुलाइज कर दिया जाए और जो भी आपका सरचार्ज बनता है हम लोग जमा करने के लिए तैयार हैं। उन्होंने आपत्ति लिया और भरोसा दिया, लेकिन उनका ट्रांसफर हो जाता है, वो डीएम बन के चले जाते हैं। उसके बाद जो तत्काल इस समय के बीसी हैं वर्धन साहब आते हैं और यह उस जमीन को पुराने ही ढर्रे पे 2022 की ही ढर्रे पे छोड़ देते हैं ग्रीन बेल्ट के नाम पे। जबकि मेरा एक बड़ा आरोप है कि हमारे जस्ट बगल में ताल कंदला है, जो नाम से ताल है, कागज में ताल है, माननीय सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन में है कि ताल की जमीन पे कोई भी भवन नहीं खड़ा किया जाएगा, लेकिन किसी एक बड़े धनवान व्यक्ति के को लाभ पहुंचाने के लिए जीडीए के अधिकारियों ने उसे आवासीय घोषित कर दिया, जहां आज भी ताल दिखाई देता है, ताल के बीच में किनारे किनारे ग्रीन बेल्ट, लेकिन उसे आवासीय घोषित किया गया। और जहां हजारों मकान बने हैं, जहां लोग अपने गाढ़ी कमाई लगाए हैं रिटायरमेंट होके, अपने घरों से इधर उधर से कमा के लाके पैसा लगाए हैं, उनके मकानों को ग्रीन बेल्ट में रखा गया है। मैं मांग करता हूं सरकार से कि यह टोटल महायोजना गलत है, फिर से महायोजना बना के झारखंडी टुकड़ा नंबर 2 में जितने भी मकान बने हैं उन्हें रेगुलराइज करते हुए उनका सरचार्ज लगा के उनके नक्शे पास किए जाएं।